टाटा मोटर्स आरए मोटर्स की डीलरशिप पर ग्राहक महोत्सव का आयोजन किया गया। ग्राहक महोत्सव का शुभारंभ टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट राजेश कोल, आरए मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय चतुर्वेदी और कंपनी के सीईओ ऋतिक चतुर्वेदी और ऋषिका चतुर्वेदी ने फ्लीट एज ऐप सेवा केंद्र और क्यूआरटी वर्क रिस्पॉन्स टीम वाहन का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर सभी ग्राहकों को फ्लीट एज रोप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि किस प्रकार से इस ऐप के माध्यम से वो अपने वाहनों की निगरानी करने के साथ ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के नए लॉन्च नए ट्रकों की विशेषताएं बताई गई। इस दौरान आरए मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय चतुर्वेदी और कंपनी के सीईओ ऋतिक चतुर्वेदी ने महोत्सव में आए अतिथियों और ग्राहकों को उपहार और स्मृति चिन्ह दिए। मुरादाबाद में आज ग्राहक के लिए आज दो दिन पहले से एक्चुअली शुरू हुआ है महोत्सव। तो इसमें जितने भी हमारे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के ग्राहक हैं उनको हम निमंत्रण देते हैं कि यहाँ आए और आपको हम न केवल आपकी गाड़ी की सर्विसेज रिलेटेड क्लिनिक कर रहे हैं, तो उनमें रखरखाव के कई या तो एक तो किया जाएगा और दूसरे उनके तेल बचाने के, ड्राइविंग हैबिट्स को सुधारने के लिए और गाड़ी की प्रोडक्टिविटी बढ़े, फ्लीट की यूटिलाइजेशन बढ़े ट्रांसपोर्टर्स की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ ट्रेनिंग्स देंगे। न केवल ये बल्कि जितने भी ग्राहक आएंगे उनके ड्राइवर्स हैं उनका हेल्थ चेकअप का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है, चाहे वो आई रिलेटेड हो, ब्लड प्रेशर, मतलब जितने भी है, और अगर कुछ भगवान न करे किसी का कुछ ज़्यादा पता लगता है तो और चेकअप्स भी उससे हो सकते हैं। तो ड्राइवर्स के लिए हेल्थ चेकअप, ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है और उनके जो ओनर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं, उनके लिए टाटा मोटर्स ने कई सुविधाएं BS6 2020 में जब इंट्रोड्यूस हुआ और 2023 में अप्रैल से फेज 2 BS6 का आया, उसमें कई और चीजें हमने ऐड की हैं, जैसे फ्लीट एज। फ्लीट एज हमारे को गाड़ी से डेटा आता है, तो गाड़ी की ड्राइविंग प्रैक्टिसेस कैसी है, गाड़ी किस रोड पे चलती है, किस लोड पे चलती है, तो उसके रिलेटेड हमको ज्यादा एफिशिएंसी मिले तो उस पर ट्रेनिंग मिलती है ड्राइवर को, एक उसके बारे में बताया जाएगा। हमारी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC जिसको बोलते हैं, न केवल AMC बल्कि FMS, हमने अब नया एलिमेंट ऐड कर लिया जिसको बोलते हैं फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो फ्लीट को पूरा हम कैसे मैनेज करेंगे, कस्टमर्स को कैसे हम और भी हमारी तरफ से जो जो सुविधाएं हैं, चाहे उनको डोर स्टेप पे सर्विस करने का, चाहे कंटेनर द्वारा टिपर्स में, या मतलब उनकी साइट्स पे, तो उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा हमारी गाड़ी में हमने जो जो फीचर्स ऐड किए हैं, ठीक है, देखिए आने वाले टाइम में क्या है, हमारी गाड़ी जो है बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे। फ्यूल एफिशिएंसी से क्या होता है, फ्यूल जो होता है, तेल जो है, वो करीब करीब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 50% है। यदि 10% उसमें बच जाए तो ग्राहक को सेविंग ज्यादा होगी। तो इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो जिसकी जो गाड़ी है उसके ऊपर क्या क्या उनको सुधार करना चाहिए या हमने क्या क्या और एडिशन करना चाहिए। जैसे टाटा मोटर्स का मैं अगर हैवी कमर्शियल व्हीकल की बात करूं, तो हमारे इसमें तीन प्रकार के इंजन आते हैं, 6.7 लीटर 300 हॉर्स पावर, 5.6 लीटर 230 हॉर्स पावर, ये दोनों कमिंस रेंज के हैं, और 5 लीटर जो कि 210 हॉर्स पावर और 200 हॉर्स पावर की रेंज में है। तो इनके किस लोड के लिए कौन सा इंजन सही रहेगा उसके बारे में शिक्षा दी और सम्मानित किया। इस अवसर पर टाटा मोटर्स के स्टेट हेड दीपक गौतम और एरिया मैनेजर जगमोहन तनेजा और सेल्स मैनेजर आतिश कंपनी के GM दीपक कुमार शर्मा, आरए मोटर्स के जनरल मैनेजर VP सिंह और मनोज शर्मा, सेल्स मैनेजर सौरभ भारती, रेहान तुफेल, धीरेश आर्य, भूपेंद्र त्यागी और गुरप्रीत कौर मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ कस्टमर महोत्सव का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट टाटा मोटर्स के श्री राजेश कौल जी आए हुए हैं और टाटा के और अन्य अधिकारी भी आए हुए हैं। आज यहाँ पर कस्टमरों का सम्मान होगा, वृक्षारोपण होगा और टाटा मोटर्स की
वाहनों के बारे में बताया जाएगा, सर्विस से रिलेटेड प्रोग्राम, अदर्स प्रोग्राम जो हमारे चल रहे हैं। एक हमने ऐप की शुरुआत की है, कहीं भी अगर गाड़ी चलती है तो उसको कस्टमर कनेक्ट करके देख सकता है मेरी गाड़ी कहाँ तक चल रही है। मोस्टली हमने अभी तक जितनी भी हमारी बड़ी गाड़ियाँ थी ट्रक टाटा के, उनमें अभी तक हम फ्री कराते थे, लेकिन अब इसको हमने 4GB का सिम लगाने के बाद इस डिवाइस को फ्लीटेज का नाम दिया है, जिसको फ्लीटेज ऐप के नाम से ये हमारे पूरे जहाँ भी गाड़ियाँ चलेंगी कस्टमर बैठ के उसको अपनी 10, 15, 20 जितनी भी गाड़ियाँ होंगी सबको ट्रैक कर सकता है मेरी गाड़ियाँ कहाँ चल रही हैं। क्या उद्देश्य है ऐसे कार्यक्रम? उद्देश्य यह है कि कस्टमर देख पाएगा कोई एक्सीडेंटल घटना ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो, इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें कस्टमर को इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्या अपील करना चाहते हैं? ये है कि कस्टमर की सेफ्टी और सुरक्षा सबसे बड़ा दायित्व तो यही है। कस्टमर रोड पर रहता है, रात में कोहरे का टाइम होता, गाड़ी कैसे चल रही है ये पता होना चाहिए, नहीं चलानी है मालिक बोल सकता फोन करके गाड़ी मत चलाओ, तो वो सब वो देख पाएंगे बैठ के, जितने बड़े ओनर है हमारे वो सब देख पाएंगे उसको। ठीक,